यार वाड्रा, सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं बोलता था थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए। अरे थोड़ी कम जमीन खरीदे होते, तुम तो जमीन पर जमीन खरीद खरीद कर सरकार को शक करने पर मजबूर कर दिए। यही इसीलिए हमारा ये हाल हुआ है आज। अब बताओ, हमारा कोई काम धाम तो है नहीं, कोई कंपनी तो खोले नहीं है कि हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन अब इतनी ज़मीन तुम ले रहे हो तो शक तो होगा ही ना। थोड़ा ध्यान से काम करो आने वाले भविष्य में। अब देखो, कुछ है तो बचा नहीं हमारे पास। हम लोग पैदल घूम रहे हैं इधर से उधर, दुकान लगाने चल रहे हैं। प्रियंका को थोड़ा कस के पकड़ लेना, कहीं मेले में ना खो जाए, समझ गए? थोड़ा ध्यान से काम किया करो वाड्रा भाई। हाँ राहुल भैया, तुम ठीक बोल रहे हो। क्या दिन थे, हम लोग BMW से उतरते नहीं थे। आज देखो क्या हालत हो गई, हम लोग पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब दुकान से पालन पोषण होगा हमारे घर परिवार का। हम भी अब सब कुछ छोड़ दिए हैं, अब किसी को परेशान नहीं करते हैं। अब सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, अब हम अब देश की सेवा करेंगे। लेकिन क्या करें, दिमाग थोड़ा इधर उधर हो गया था। हम सोचे नहीं कि सरकार को शक हो जाएगा, हमारा कोई काम धाम तो है नहीं। फिर भी इतनी ज़मीन हर साल कहाँ से आ रही है हमारे पास। हम सोचे ही नहीं, पैसा देखे और अंधे हो गए, उसी के पीछे भागने लगे। बताओ क्या करें, अब जो हो गया हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, ये जो हमारी हालत हुई है इसमें तुम दोनों जिम्मेदार हो। बताओ, मैं इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती थी, घूमती थी, आज के ऐसे कपड़े पहन के घूमना पड़ रहा है। सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, तुम दोनों की, समझ गए?